सोचो मैं आयनाइजेशन एनर्जी स्टार्ट किया था, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन उड़ाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये सब मैंने देखा था, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एक तो साइज ऑब्वियसली एंड और एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। ठीक है, साइज वाला फैक्टर आराम से मजे में हर ग्रुप पे लगेगा, क्योंकि ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज जनरली, एल्यूमिनियम गैलियम को अगर हम छोड़ दें उस एक्सेप्शन को, तो जनरली ऊपर से नीचे साइज इंक्रीज होता है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्स की प्रोपोर्शनल होगी, ये समझ में आ गया था सबको। न्यूक्लियस के जितना पास होगा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा अट्रैक्शन रहेगा, उतना इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, जितना दूर होगा उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है, तो छोटे इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, बड़े एटम से इलेक्ट्रॉन निकालना, इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो आराम से निकल जाए। सो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आते हैं, शेल बढ़ता जाता है, एक एक शेल बढ़ने से तेजी से साइज बढ़ता है, ऊपर से नीचे जो साइज तेजी से चेंज होता है, पूरा पूरा शेल बढ़ रहा है। ठीक है, तो पूरा पूरा शेल बढ़ रहा है तो साइज तेजी से बढ़ता है, इसलिए साइज इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है और आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रही है डाउन द ग्रुप। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? ये इतना हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर फर्स्ट ग्रुप में और सेकंड ग्रुप में। अब जब हम एक पीरियड में जाते हैं लेफ्ट टू राइट, इसमें थोड़ा इतना इजी ट्रेंड नहीं आता, इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइज बहुत ज्यादा वेरी नहीं करता। आपको पता है ना भाई साइज क्या होगा, पहले बात तो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करता जाता है। साइज डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ग्रेजुअली। सेम नंबर ऑफ शेल है, थोड़ा थोड़ा साइज कम होता जाएगा। ठीक, तो इसमें जनरली तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए, साइज घटता जा रहा है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फैक्टर किसका रहता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का। ध्यान से सुनना मेरी बात, कहाँ कहाँ पे वो चेंज आएगा। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सब लिख लिया हमने। ठीक है, ठीक है, तो 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5, 2p6, ठीक है, तो कहां कहां पे ये स्ट्रॉन्ग मतलब फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, वहां पे आपने पढ़ा है हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स थोड़े से एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनको थोड़ा सा कॉन्फिगरेशन का फायदा मिलेगा। हाफ फील्ड कहाँ है, नाइट्रोजन पे, मार्क कर लो इनको। बेरिलियम क्या है, फुल्ली फील्ड है, समझ में आ रहा है सबको। और नियॉन तो ऑब्वियसली नोबल गैस है ही, उसके तो अलग ही टशन है, उससे तो इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो तो नोबल गैस है। बताओ जो समझ में आ रहा है सबको, कोई दिक्कत परेशानी? ठीक, तो होना चाहिए था लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज हो रहा है तो बढ़ना चाहिए था आयनाइजेशन एनर्जी, लेकिन दो जगह चेंज आता है, एक तो यहाँ पे, इनको अपने बराबर वाले बंदे से स्वैप कर देना, इनकी पोजीशन को स्वैप कर दोगे आप बराबर वाले बंदे से, मतलब बेरिलियम का आयनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से थोड़ा सा ज्यादा होगा,
बिकॉज बेरिलियम इज फुल्ली फिल्ड एंड बोरॉन इज हाफ, है ना, बोरॉन इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो उसका इलेक्ट्रॉन इसलिए इजिली निकलेगा। बताओ समझ में आ रहा है वैभव अमोघ? अच्छा आज मैंने एब्सेंट है, आर्यन समझ आ रही बात? यस सर। अमोघ फंडा समझ आ गया? जो मैंने बोला भी यार कोई दिक्कत हो तो बता दे। यस सर। है ना, तो बेरिलियम फुल्ली फिल्ड है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल रहेगा, ठीक है अनुश्री? और बोरॉन, बोरॉन से जब आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो वो फुल्ली फिल्ड हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों, नाइट्रोजन हमारा हाफ फिल्ड है और ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर हम इस तरह से फिर लिखते हैं यहाँ पे, लिथियम का सबसे कम, ठीक है, एल्कली मेटल्स का सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, साइज सबसे बड़ा है उनका, ठीक, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। लिथियम के बाद बेरिलियम, फिर लिथियम के बाद बोरॉन, फिर बेरिलियम, दोनों की पोजिशन चेंज कर दी हमने, फिर कार्बन, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की चेंज होगी पोजिशन, समझ में आया? और नियॉन नोबल गैस का सबसे ज्यादा होगा एक पीरियड में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, या इसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन, IE1। अंडरस्टूड? ये तो हर ग्रुप में होता होगा ना? हाँ अच्छे ना, हर पीरियड में होता है, और मैंने जब जैसा कल आपको बताया भी था कि हमें मतलब है सेकंड और थर्ड पीरियड से मतलब है, ठीक है यार, हमें किससे मतलब है सर? सेकंड और थर्ड, है ना, बाद में तो रायता फैल जाएगा, डी आ गया, एफ आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया ना, उसमें ये तो हद से ज्यादा एक्सेप्शन आ जाएंगे। अभी हमें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, है ना, मैंने कल बताया आपको रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं एस और पी हमारे, उनसे मतलब है बस सेकंड और थर्ड पीरियड से, ठीक। तो आप ऐसे ही सेम तरह से एक बार ट्राई करो, थर्ड पीरियड का भी ऑर्डर लिख दो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी वन का। Done, sir. Okay. तो पहले आप वही पूरा पीरियड नॉर्मली लिख लो, फिर आप उनपे जो दो बंदे हैं वहां पे पोजीशन स्वैप मार दो, ठीक है, ये तरीका रहेगा हमारा ऑर्डर लिखने का। अंडरस्टूड एवरीवन? तो पूरा क्या है, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन और लास्ट में आर्गन, ठीक है, सही है ना? हाँ, कोई गायब तो नहीं, हाँ सब है, ठीक है। तो बच्चों वही 3s2, बेरिलियम के नीचे वाला मैग्नीशियम वो भी फुल्ली फिल्ड होगा यार, है ना, और नाइट्रोजन के नीचे वाला फास्फोरस वो भी हाफ फिल्ड होगा। इस बार इनकी पोजीशन स्वैप कर देंगे हम। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक है तारीश, समय आ गया? Yes, sir. So this will be the order for first ionization energy. क्या बोलते हैं इसको, first ionization energy, energy required to pull out first electron, पहला electron उड़ाने के लिए जो energy चाहिए उसको, ठीक है। तो ये simple, ये यहाँ पे थोड़ा सा logic लग रहा है, along the period एकदम regular trend नहीं है कि बढ़ता जा रहा है घटता जा रहा है, सिर्फ जैसे ऊपर से नीचे तो हम आँख बंद करके बोलते हैं ऊपर से नीचे घट रहा है, यहाँ पे एकदम exact trend नहीं है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे logic लगाना पड़ा। Understood everyone? तो हम इसका reason लिख लेते हैं फिर, ठीक है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड,
एक्स्ट्रा स्टेबल क्लियर है बच्चों, सबको समझ आगे बात है, ठीक है। तो दिस इज दी थिंग जो हमें ध्यान रखनी है सबसे पहले तो, ओके। उसके अलावा जो IE1 है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सब चीजें पूछेंगे, IE1 IE2 सेकंड आयनाइजेशन है ना, इनफैक्ट शायद NCERT में भी अभी देखेंगे, ठीक है। तो ये सब जो आंसर्स होंगे आपके, ये होंगे यहीं से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बना के देखोगे आपको खुद आइडिया लग जाएगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात, ठीक है। तो IE1 इज ionized first ionization energy, energy required to pull out first electron. Understood. I2 क्या होगा? Energy required to pull out second electron. And so on. I3, I4. तो बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सी चीज है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में अगर हम कंपेयर करें I1 और I2, खुद से आप लोग मुझे सोच के बताना, ठीक है, खुद से सोच के बताना आप। I1 तो आपने देख ही लिया किसका ज्यादा है, ठीक है। छोड़ो, IE1 तो आपने देख लिया किसका ज्यादा है, IE1 नाइट्रोजन, क्योंकि वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। दारिशा समझ आ रही बात। अब बताओ IE2 किसका ज्यादा होगा, IE2 किसका ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का। IE2 ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, ठीक है। छोड़ो, IE1 IE2 का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, है ना। पहले ये हाफ फिल्ड थे, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब ये हाफ फिल्ड नहीं रहा नाइट्रोजन, उल्टा ऑक्सीजन हाफ फिल्ड बन गया एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ठीक है। समझ आ रहा है अमोघ, एनी डाउट वैभव, बात समझ आ रही भाई, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन बच्चों निकल चुका है, अब दूसरा निकालना है, दूसरा निकालना ऑक्सीजन से ज्यादा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन हाफ फिल्ड बन चुका होगा। अंडरस्टूड एवरीवन? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है स्कूल के लिए भी, हर जगह के लिए, ठीक है, कि एक्सप्लेन व्हाई I1 ऑफ नाइट्रोजन इज हायर एंड I2 ऑफ ऑक्सीजन इज हायर। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक, सब लोग एक्सप्लेन कर देंगे इसको। I2 मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें, मतलब पहला निकल चुका है, अंडरस्टूड एवरीवन, ठीक है। तो I2 का मतलब समझ आ गया सबको, I2 I3 क्या होगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो वो सब आपको अकॉर्डिंगली सोचना होगा, ओके। तो यहां पे थोड़ा सा लॉजिक लगेंगे, ये I14 तक जाता है, अरे मतलब ठीक है, जाता कहीं तक भी हो, पूछेंगे क्वेश्चन तो वही I2 I3 तीन चार तक पूछ सकते हैं आप, ठीक है। अरे जाने के जाए, उससे अपने को लेना देना नहीं, ठीक है। हमें बस लॉजिक समझाना चाहिए कि क्या है, ओके। अच्छा, इसके अलावा हमेशा ऑल, मेरे को बताओ किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम के बारे में बात करो, किसी की भी, यानी उसका I1 ज्यादा होगा या I2 ज्यादा होगा, किसी भी एटम के, नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, किसी की भी बात करें, I1 ज्यादा होना चाहिए, नहीं I2 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि आपको देखो पहले A से निकाला हमने एक इलेक्ट्रॉन, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालोगे आप, कैटायन से निकालोगे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल के तो कैटायन बन गया ना भाई, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन किससे निकालना पड़ेगा बच्चों, कैटायन से। अब कैटायन से इलेक्ट्रॉन छीनना ज्यादा मुश्किल अट्रैक्शन होगा यहाँ पे,
गैस है ना, नॉर्मल एटम था उससे तो उतना अट्रैक्शन नहीं था जितना कैटायन के साथ होगा। और सोच भी सकते हो कैटायन आर स्मॉल इन साइज, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद साइज छोटा हो गया, साइज छोटा तो आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, ज्यादा पास आ गया वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन, आ गया नहीं आ गया, समझ आ रहा है सबको? ठीक yes, sir. So all successive ionization energies are higher. IE1 से ज्यादा IE2 होगा, IE2 से ज्यादा IE3 होगा बच्चों, ठीक है? तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है, किससे निकालूंगा? A+2 से निकालूंगा, और साइज छोटा हो गया होगा, और ज्यादा अट्रैक्शन मार रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, isn't it? अनुषी कोई डाउट? बात में आ रही है? Yes. So always successive ionization energies are higher. Yes, sir. Very important concept. ठीक है, सारी एनर्जीज बढ़ती जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है. ओके, और देखते हैं. अच्छा, अब I1 अगर हमने देखा, सबसे कम किसका होगा पीरियड में, सेकेंड पीरियड में? लिथियम का. एल्कली मेटल्स का सबसे कम होगा, उसका इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, आपको बताइए आराम से निकल जाएगा. और सबसे ज्यादा किसके लिए आया था? नियॉन के लिए. क्लियर है बच्चों? सेकेंड पीरियड की बात हो रही है. अब थोड़ा सा कोई सोच के बताएगा कि I2 सबसे ज्यादा किसके लिए होगा, मैक्सिमम किसके लिए होगा, लीस्ट किसके लिए होगा? एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो पूरा शेल खत्म हो गया. अब दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? अंदर वाली शेल से. लिथियम एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद नोबल गैस बन गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन पहुंच गया, उसका हीलियम जैसा कॉन्फिगरेशन आ गया, तो लिथियम का मैक्सिमम होगा. बताओ, सबको समझ आ गया पहला बंडा? यस सर. अमोक, समझ आ रही बात? नेक्स्ट है सोडियम. है सोडियम है अपना इजीली पहला इलेक्ट्रॉन लूज करता है क्योंकि 281 है. एक इलेक्ट्रॉन इजीली लूज किया, अब उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इसका, क्योंकि क्या हो गया, वो फुल्ली फिल्ड बन गया, नोबल गैस कॉन्फिगरेशन आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उसका. समझ में आ रही बात? ठीक है, तो लिथियम का लीस्ट I1 और मैक्सिमम I2. बिल्कुल सही बोला. ठीक है, फिर से सोच लो एक बार, लीस्ट किसको देंगे? लीस्ट वैल्यू किसकी होगी? I2 की. बेरिलियम के लिए भाई, बेरिलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद अब एक ही बचा, वो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा ना. वो इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो स्टेबल हो जाएगा ना, वो लिथियम की पोजीशन पे आ गया. एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद बेरिलियम किसके जैसा हो गया? अब लिथियम के जैसा हो गया. हो गया नहीं हो गया बच्चों? बताओ, समझ आ रहा है लॉजिक सबको? ठीक, पहले 2-2 था, एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो 2-1 हो गया. अब उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही वो स्टेबल हो जाएगा, तो बेरिलियम के लिए लीस्ट हो जाएगा. ये कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं इनफैक्ट, किसके लिए कौन सा वैल्यू लीस्ट, किसके लिए कौन सा वैल्यू मैक्सिमम. अंडरस्टूड एवरीवन? तारिशा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? अनुश्री, क्लियर है एकदम परफेक्टली सबको? वैभव, एनी डाउट? ठीक है, ओके. थर्ड पीरियड में आपको सोच के बताना है I1, ये टेबल फिल करो, लीस्ट मिनिमम मैक्सिमम I1 के लिए, I2 के लिए, I3 के लिए, थर्ड पीरियड के लिए.
fill up this table. क्या कोई कुछ बोल रहा है क्या सर? सोडियम. अच्छा पूरा 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 भर ले डन से. वाइट भी तीनों भर ले. ठीक है वैभव तीनों के लिए भर ले यार एक बार. Dance. तो ये सोडियम का लीस्ट नियॉन का मैक्सिमम. ओ सॉरी नियॉन लिख दिया मैंने आर्गन. ठीक है बच्चों इसमें कोई डाउट है ही नहीं. ओके अब एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यार पोजीशन सबकी एक एक साइड लेफ्ट में खिसक जाती है. एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एल्यूमिनियम का है ना कॉन्फिगरेशन किसके जैसा हो गया? मैग्नीशियम के जैसा हो गया. ये समझ में आ रहा है ना सबको मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ? सिलिकॉन का कॉन्फिगरेशन एल्यूमिनियम जैसा हो गया. ठीक है एक एक लेफ्ट में खिसक गए. गायब कर दिया गया मैंने नहीं. ठीक है और सोडियम को मैंने इधर लगा दिया आर्गन की जगह. मैक्सिमम हो गया बच्चों सोडियम का, मिनिमम हो गया मैग्नीशियम का. समझ आ रहा है? ये भी एक तरीका है सबको एक एक प्लेस लेफ्ट में खिसका दो. एनी डाउट? एक एक प्लेस और लेफ्ट में खिसका दो. क्लियर है बच्चों? यस सर. ये समझ आया? अब मैक्सिमम किसका हो गया? मैग्नीशियम का मैक्सिमम हो गया है ना 282. दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल किसके लिए हो जाएगा? मैग्नीशियम के लिए हो जाएगा. समझ में आ रही बात बच्चों? तो एक तरीका है ये लेफ्ट में खिसकाते जाओ एक एक. ये नॉर्मल, ये एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ये दो इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद. तरीका समझ आया सबको? मेथड क्लियर है सबको? तारिशा एनी डाउट? क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया ना सबको? कोई दिक्कत तो नहीं बता दो. किसी को कुछ भी दिक्कत हो दोबारा बता दूंगा, कोई इशू नहीं. ठीक है अमोघ निक्षय. ठीक है तो दिस इज द वे टू फाइंड I1 I2 किसका ज्यादा, I3 किसका ज्यादा, ये सब चीजें. अंडरस्टूड एवरीवन? ओके आगे आगे बढ़ते हैं. तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी आते हैं, पूछे जाते हैं बहुत आसान से. दूसरा इस पे बच्चों ये रहेगा कि आपको डेटा दे देंगे, एक अननोन एटम है, उसकी IE वैल्यूज देंगे आपको. ठीक है मान लिया रखा है I1 लेट्स से 200 किलो जूल पर मोल है ना. I2 दे रखा है लेट्स से 400 है ना, ज्यादा आएगा ही आएगा, I2 हमेशा ज्यादा होगा. I3 दे रखा है लेट्स से 590 या 580 कुछ भी. फिर I4 दे रखा है अचानक से कितना हो गया 2000 हो गया, ठीक 2100 कुछ ऐसा हो गया. तो बच्चों ये डेटा देख के हमें समझना है कि 1 से 2 गए. कार्बन है क्या? नॉर्मल है. नहीं कार्बन नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है.
ठीक है, एक से दो गए, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉन उड़ाया 200 एनर्जी लगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन लगाया 400 लगी, तीसरा उड़ाया, तीसरा उड़ाने में 580 लगी, चौथा इलेक्ट्रॉन उड़ाने में तो यार पसीने छूट गए, सीधे 5-6 तगड़ा जंप लग गया, 5 to 6 टाइम्स हो गया, 4-5-6 टाइम्स हो गया। तो हम समझ जाएंगे बच्चों ये कुछ आउटर मोस्ट शेल में इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे इसमें आउटर मोस्ट शेल में, 3 इलेक्ट्रॉन, पहला निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, 3 तो आसानी से निकल गए, चौथा निकालने में हमारे पसीने छूट गए, बताओ समझ आया। तो ये डेटा देख के आपसे पूछेंगे फाइंड वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट या एटम, समझ में आ रहा है सबको, इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने देखा डेटा कि अच्छा पहला नॉर्मल जंप, दूसरा नॉर्मल जंप, तीसरा I3 और I4 में तगड़ा जंप, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल हो रहा है, मतलब वो 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद इनर्ट गैस या ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसका। अंडरस्टूड एवरीवन, कैसे हम डेटा देखकर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल नॉर्मली ऑल आयनाइजेशन सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज आर हायर देन प्रीवियस वन, बट देन देयर इज एन एक्सेसिव जंप इन IE, इट मीन्स क्या, इट मीन्स ऑक्टेट इज कंप्लीट और इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम इनर शेल, ठीक है, आर्यन समझ आ गया। तो कार्बन नहीं हुआ, मतलब वो थर्ड, वो मैंने चार समझ के ये लॉजिक बच्चों लगाना है हमें, समझ में आ गया सबको, ओके। So, ये सारे पॉइंट्स हैं हमारे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, कैसे बढ़ती है, कहाँ को इंक्रीज डिक्रीज क्या होता है, क्वेश्चंस करो बच्चों, इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है क्योंकि आसान आसान सी चीजें हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन जरूर हमें आना चाहिए। तो आप ट्राई करो सेवेंथ एट्थ नाइन्थ आईपी क्या है एट में, आयनाइजेशन पोटेंशियल है ना, तो आपको याद होगा हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन है ना पोटेंशियल, वही एक ही बात होती है, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, ठीक है।
डन सर। सेवेंथ का फोर्थ है, एट्थ का वन है और नाइन्थ का थर्ड है। हाँ जी, सेवेंथ में करेक्ट ऑर्डर पूछा है तो फोर्थ वाला ऑप्शन कि भाई प्लस थ्री बड़ा होगा, प्लस फाइव छोटा होगा, जितना कैटायनिक चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। ठीक है तारिशा, एनी डाउट? नेक्स्ट ईयर आपने लास्ट क्लास में देख लिया रिकॉर्डेड लेक्चर की कैटायन का साइज नेक्स्ट ईयर छोटा होता है, ठीक है, और एनायन का साइज बड़ा होता है। तो जितना कैटायनिक चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा उतना साइज छोटा। फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल तो आपको पता ही, ऑर्डर अभी हमने लिखा ही था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला, एफ एन ओ सी। हाँ ठीक है, फ्लोरीन का ज्यादा, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया था। और कार्बन का कम, ठीक है। सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी जब हम देखेंगे तो एन और ओ में उल्टा हो जाएगा, आपको पता ही हो जाएगा, ओवर एन में उल्टा हो जाएगा पहली बार, ठीक है, तो संगार का कोई दिक्कत। तो ऑक्सीजन का ज्यादा हो जाएगा फ्लोरीन से, ऑक्सीजन ज्यादा क्यों हो जाएगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन का ज्यादा किस लिए हो जाएगा क्योंकि वो हाफ फिल्ड हो जाएगा। अंडरस्टूड? बता दो किसी को कोई दिक्कत परेशानी? नो सर। ट्वेंटी सेवन और ट्वेंटी एट और करो बस, 27 और 28 है। डन सर। जो फर्स्ट और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी में बिगेस्ट जंप 27th में, वो तो फोर्थ हो जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा ना, फोर्थ। ध्यान से है ना, फोर्थ हो जाएगा इसका। हां बाजू नहीं करना, आराम से सारे ऑप्शन को देख के, वरना नेगेटिव हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालेंगे 27 में, अभी जो मैंने बताया था ना तारिशा, फोर्थ वाले में जब तू पहला इलेक्ट्रॉन निकालेगी तो 2s से निकलना है। ओ हाँ, ठीक है ठीक है।
बस ये तेरे को सोचना है, तेरे को जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो वो अंदर वाली शेल से निकलना है, तो जब शेल में ही अंदर हम पहुंच गए तो ऑब्वियसली बात है भाई सबसे तगड़ा जंप लगेगा। ठीक है, ठीक है, तारीशा समझ आ गया? हाँ, तो अभी जो डिस्कस किया उसको थोड़ा सा स्टाइल में इन्होंने प्रेजेंट कर दिया क्वेश्चन को, कुछ नहीं है कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान से और थोड़ा सा स्मार्टली ठंडे दिमाग से सोचना है कि अच्छा फर्स्ट मतलब पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है, दूसरा मतलब सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है। अब दोबारा से सोचो जिन्होंने नहीं किया, दोबारा से 28 सबका आंसर आना चाहिए, सोचो आराम से। इसका तो फोर्थ होगा, सो फर्स्ट। अब इसमें हमें सेकंड और थर्ड में देखना है तारीख, सेकंड और थर्ड में, ना कि फर्स्ट और सेकंड में। ठीक है, सेकंड और थर्ड में कहां पे तगड़ा जंप लगेगा, सडन लार्ज जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड। सीधा सा फंडा है बच्चों, सेकंड दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल से जाना चाहिए, सीधे से फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। समझा तारीशा? यस सर। हाँ ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से हमें देखना है सडन जंप बिटवीन सेकंड एंड थर्ड वैल्यू, मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तीसरा इलेक्ट्रॉन अंदर वाली शेल से निकलना चाहिए, ऐसा फोर्थ में हो रहा है। क्लियर हो? ये सब चीजें ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत ध्यान से, बिल्कुल कोई बड़ी बात नहीं, इसमें लॉजिकल क्वेश्चन है। चलो और बाद में देखेंगे। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने यार आयनाइजेशन एनर्जी में, आयनाइजेशन एनर्जी में ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आई वन क्या होता है, आई टू क्या होता है, कौन ज्यादा कौन कम, कैसे डिपेंड करेगा, किसका वैल्यू किसके लिए ज्यादा, कहाँ तगड़ा जंप, इस डेटा से हम वैलेंसी बता सकते हैं, ये सब पॉइंट। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अच्छा, उससे पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर डिस्कस कर देते हैं यहीं पे, उससे थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना आसान हो जाएगा। कुछ मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, आपने शायद 10th में पढ़ा होगा इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। क्या मतलब होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर का, मतलब टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जो सोडियम है खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, तो जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम वो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और इजिली पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। समझ में आ रहा है? और वो उनका नेचर कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर। ठीक है, सो सिंपल सा फंडा यार, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर is inversely proportional to ionization energy. Ionization energy जिसकी कम उसका electro positive nature ज्यादा, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो elements having lower ionization energy easily lose electron and show electro positive नेचर। ठीक है, थ्योरेटिकली समझना है, बहुत आसान सी बात है। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर अगर कंपेयर करने के लिए आए, क्या करोगे आप, आयनाइजेशन एनर्जी जिसकी कम उसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, बच्चों सीजियम का, क्योंकि उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, सबसे कम है। बताओ समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत?
जनरली हम ये भी बोल सकते हैं जिसका साइज बड़ा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, क्योंकि साइज बड़ा तो आयनाइजेशन एनर्जी कम। ये सब आपको दिमाग में एकदम सोचना है, जितना आप सोचोगे लॉजिकल। क्लियर है बच्चों? अपनी मुझे बताते रहो किसी को डाउट आ रहा है ना, चुपचाप से मत बैठो मेरी क्लास में, से चुपचाप से नहीं बैठना भाई, बताते रहो कोई डाउट आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अमोघ। यस सर। एनी डाउट आप मेरे को बताओ एकदम, मैं दोबारा बता दूंगा। वैभव कोई दिक्कत? अब आपको ये सब बच्चों रिवाइज करना है अच्छे से, दिमाग में डाल लेना है अच्छे से। ठीक है, बहुत सारी चीजें निकल के आ जाएंगी, बहुत सारी चीजें रिलेशंस निकल के आ जाएंगे कि भाई अच्छा साइज बड़ा इजिली इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज्यादा तो बच्चों मेटेलिक करेक्टर भी ज्यादा। ये सारी चीजें एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मेटल सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर, तो जो ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा वो ज्यादा बढ़िया मेटल हुआ। ऑलराइट, और मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक कैरेक्टर होता है मेटालिक कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल, मेटालिक कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के प्रोपोर्शनल, सब एक ही चीज है। बताओ सब बेसिक तो मेटालिक ऑक्साइड्स हो जाएंगे ना, मेटल्स ही बेसिक होते हैं बच्चे, है ना, मेटल ऑक्साइड्स क्यों बेसिक होते हैं, मेटल्स भी बेसिक होते हैं, मेटल्स भी आपके आपने पढ़ा है ना क्या करते हैं मेटल्स, हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं ना एसिड से, एसिड से रिएक्ट। हाँ। क्या मतलब है इसका, एसिड के साथ कौन रिएक्ट करता है, बेसिस। ठीक, तो आप मैं तो आपने थोड़ा सा इनकम्प्लीट पढ़ा है, मेटल ऑक्साइड्स, मेटल्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल का कुछ भी, सबके सब बेसिक होते हैं, मेटल ऑक्साइड भी बेसिक, मेटल हाइड्रोक्साइड भी बेसिक, मेटल्स भी बेसिक, सबके सब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, आ रहा है? यस सर, दे ऑल आर बेसिक। सो बेसिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। ठीक है बच्चों, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, खत्म। फर्स्ट ग्रुप वाले एल्कली मेटल्स सबसे बढ़िया मेटल्स होते हैं, आपको पता ही है, फर्स्ट ग्रुप वाले सबसे तगड़े मेटल्स होंगे, क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ी लिया सबसे कम होती है अपने पीरियड में, होती है ना भाई। ठीक है, सेकेंड पीरियड में किसकी लीस्ट थी, लिथियम की, तो वो सबसे तगड़ा मेटल हो गया। थर्ड पीरियड में किसकी लीस्ट है, सोडियम की, और आपस में इनको ऊपर से नीचे आते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता जाएगा। बच्चों बताओ कोई दिक्कत? रिलेट कर पा रहे हो इजिली सब, सब कुछ मेटालिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर, सब कुछ एक ही ट्रेंड है, नो एक्सेप्शन। ठीक है, अब मैं इनके मेटल ऑक्साइड्स लिख दूं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर से ये सारी चीजें हम बता सकते हैं, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर किससे बता पा रहे हैं, आयनाइजेशन एनर्जी से। समझ में आ रही सबको? अब मैं इनके ऑक्साइड्स लिख देता हूं, तो भी वही बेसिक कैरेक्टर, बेसिक कैरेक्टर। समझ आ रहा है? ठीक है, बेसिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है, मेटालिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे बढ़ता है। अंडरस्टूड एवरीवन? ये सबको अच्छे से आना चाहिए, थर्ड चैप्टर में यही सब है, 9th-10th की चीजें और थोड़ा सा डिटेल में हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर तो आ गया बच्चों हमारा, डायरेक्टली आयनाइजेशन एनर्जी से ही आ गया, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फोर्थ है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या था, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की टेंडेंसी, ये उल्टा हो जाएगा यार ऑब्वियसली, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वॉज इलेक्ट्रॉन्स
लूज करने का टेंडेंसी, सो इट विल बी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. तो ये भी बच्चों दो चीजों पे डिपेंड करेगा, वही है ना, एक तो साइज पे, जितना साइज छोटा होगा उतना अट्रैक्शन मारेंगे. ठीक है, जितना साइज छोटा उतना क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ. ऑल राइट, सो इट अगेन डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. ये थोड़ा सा और ध्यान से देख लेना आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. तो ऑब्वियसली लास्ट ग्रुप वालों में थोड़ा सा स्पेशल क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन आती है उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है. क्या बोलते हैं इनको, हेलोजेंस, नाम याद रखना इनका बच्चों. क्या बोलते हैं इसको, हेलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर कॉमनली नोन एज हेलोजेंस. ऑक्सीजन सल्फर, ठीक है. तो ये नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव. उल्टा होगा ऑब्वियसली, मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं भाई, है ना. जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना तगड़ा नॉन मेटल, उतना तगड़ा नॉन मेटल. वहां पे बेसिक करेक्टर था, यहाँ पे एसिडिक करेक्टर हो जाएगा. समझ आ रहा है बात सबको, आ रहा है समझ आ रही बात? ठीक है, उल्टा हो जाएगा वहां से. वहां पे साइज बड़ा होने पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर ज्यादा था, यहाँ पे साइज छोटा होने पे इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा होगा. ऑब्वियसली बात है, जिसका साइज बड़ा उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर ज्यादा. समझ में आ रही बात बच्चों? किसी को कोई दिक्कत परेशानी? सोच पा रहे हो सब? ठीक है. सो ऊपर से नीचे ग्रुप में तो सीधा सीधा फंडा है भाई, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, घटेगी, कम होगी. छोटा ज्यादा अट्रैक्ट करेगा. ऑल राइट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. सबको ठीक है? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. ये बच्चों आज ही बहुत अच्छे से याद कर लेना. आज क्या मतलब, दो तीन दिन अच्छे से दो तीन बार रिवाइज बार होगे तब जाके दिमाग में बैठ जाएगी ये सब चीजें. नई चीजें इंपॉर्टेंट है, पूरा केमिस्ट्री में यूज होंगे और बहुत आसान है. फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कोई दिक्कत नहीं है, साइज ऊपर से नीचे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है. उससे टेपो, 16 ग्रुप को कैसे याद रख सकते हैं, उससे टेपो. न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, ये हो जाएगा आपका 15 ग्रुप. 12th क्लास में सब याद भी करने होंगे आपको. हाँ जी बच्चों, कोई डाउट किसी को? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सामने आ गया, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी का उल्टा. ठीक है, तो और भी चीजें देखेंगे. पहले वही एसिडिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन मेटालिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सब चीजें आपस में रिलेटेड हैं यार. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव करेक्टर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज. इतना लंबा ट्रेंड चल रहा है, इतने सारे रेवलेशंस आ गए एक साथ, सब समझ में आना चाहिए आपको भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना अमोक? इजी. जो पूछेंगे आपसे कि भाई नाइट्रोजन का ऑक्साइड N2O5 और P2O5 कौन ज्यादा एसिडिक होगा, P2O5. क्या करते हैं एकदम जल्दबाजी में, क्या है ऊपर ही तो लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है तो वो ज्यादा हो गया है, कंफ्यूज क्यों आते हैं, जल्दी नहीं है ना, देखा नहीं, मैं सोच रहा हूं पेशेंस. ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ, ऑर्डर छोटा बंदा होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो उसका ऑक्साइड विल बी मोर एसिडिक. क्लियर है? आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बिल्कुल सही आंसर, सोच के बच्चों. ठीक है, सारे ट्रेंड्स आपके दिमाग में आज ही क्लियर हो जाने चाहिए. ठीक है अनुश्री, एनी डाउट? N2O5, P2O5. ठीक है, तो अभी तुमने बस ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और देखा है, जिस पे कुछ दो चार क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे आगे की कहानी. ये देखना एक बार 35. सेकेंड वन कौन सा? सेकेंड. हाँ सेकेंड, वेरी गुड. क्योंकि हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. ठीक है बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन तो उधर हमारा क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और इस वजह से उसका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा. सिंपल. भाई 23 क्वेश्चन देखो, 23. इसका सेकंड होगा क्या? हाँ सेकंड सही है, बढ़िया, वेरी गुड. एआरएन रेडियाई एनायन का ज्यादा होगा, है ना, कैटायन का काम होगा, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें. क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं इसमें. अच्छा फोर्थ में बताओ क्या गलती है, फोर्थ वाले ऑप्शन में गलती बताओ मेरे को. आई प्लस फाइव, आई प्लस की जगह आना चाहिए. हाँ, I plus 1 की ionization energy कम होगी, I plus 5 की ज्यादा होगी, I plus 5 बीच में है, I plus 7 की तो सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, सबको क्लियर है बच्चों? हरिशा, any doubt?
ये 26 वाला टेबल में एलिमेंट 1 के बारे में क्या बोल सकते हैं हम, क्या वैलेंसी है इसकी? 3 वैलेंसी कितनी है? 1 से वन, एक इलेक्ट्रॉन निकलने का। ठीक है बच्चों, समझ आ रहा है सबको? एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया 403, तगड़ा जंप आ गया। फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने पसीने छूट रहे हैं, समझ आ रहा है सबको? ठीक है। अच्छा, इसके नीचे जो ऑप्शन लिखे ना, आइडेंटिफाई द एलिमेंट विच इज लाइकली टू बी अ नॉन मेटल, एन एल्कली मेटल, एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। पता है ना सबको एल्कली मेटल क्या होता है? फर्स्ट ग्रुप। एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है? सेकंड ग्रुप। ठीक है, और नॉन मेटल तो पता ही है। ट्राई करो, क्लासिफाई करो कौन सा एलिमेंट क्या होगा। एल्कली मेटल तो आपने बता ही दिया कि भाई फर्स्ट वाला एलिमेंट 1 क्या है, जो फर्स्ट ग्रुप यानी कि एल्कली मेटल का। ओके, सेकंड वाला नॉन मेटल है, तो आप सेकंड वाले को अगर नॉन मेटल रखोगे तो थर्ड वाले को क्या रखोगे? एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन नहीं, आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, नॉन मेटल की या मेटल की? नॉन मेटल की। नॉन मेटल की ज्यादा होगी है ना तारिशा, और कम किसकी होगी? मेटल की। ठीक है, ऑब्वियसली सेकंड वाला हमारा एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल हो जाएगा। समझ आ रहा है तारिशा? थर्ड वाले में ज्यादा है ना आयनाइजेशन एनर्जीज, तो वो हो जाएगा नॉन मेटल। ऑल राइट, यस सर। अरिशा, डाउट लग रहा है कुछ? नो सर। आपका है ना? ओके, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हम है ना आयनाइजेशन एनर्जी का डाटा देख के, ठीक है, बता सकते हैं कि वो किस कैटेगरी का बनता है। ठीक है, ये डेटा देख के हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे भी नेक्स्ट क्लास में, फिर से और भी पढ़ेंगे कि जिनके है ना नॉन मेटल्स की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान लगता है। ठीक है बच्चों, तो आपने पहले 9-10 में कैसे पढ़ाई है कि ऐसे पढ़ाई कि बाहर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो लूज कर देते हैं, ऐसे पढ़ा था। 5-6-7 होते हैं तो गेन कर लेते हैं ना, वैसे ही अब हम थोड़ा दूसरे स्टाइल से पढ़ रहे हैं कि भाई जिनको इलेक्ट्रॉन लूज करना मुश्किल होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे। समझ में आई बात सबको? ठीक है, ठीक है बच्चों, तो ये yes, सब तो अच्छे से रिवाइज कर लेना है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और मजेदार चीजें देखेंगे। इसको डिटेल बहुत इजी सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। ओके, चलो, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।